मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिविल सर्विस डे पर आला अधिकारियों को कई नसीहतें दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की कल्पना सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के बिना नहीं की जा सकती। गुलामी के समय अधिकारी जनता से डिस्कनेक्ट रहते थे, लेकिन अब समय है जनता से कनेक्ट रहने का। अधिकारी अहंकार से शून्य रहें और आसमान पर न देखें। सिविल सर्विसेज डे पर प्रशासन अकेडमी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल के दौरान सिविल सर्विसेज के लोगों ने अद्भुत काम किया। सिविल सर्विसेज केवल करियर के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए है, जनता की जिंदगी बदलने के लिए है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की कल्पना सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के बिना नहीं की जा सकती है। गुलामी के समय अधिकारी जनता से डिस्कनेक्ट रहते थे, लेकिन अब समय है जनता से कनेक्ट रहने का। अधिकारी अहंकार से शून्य रहे और आसमान में न देखें। हर प्रदेश के लिए चुनौती होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सुरक्षा के इन प्रहरियों ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को पूरी दृढ़ता से निभाते हुए भी बताया, और हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा कि जब भी चुनौती सामने आई, आज प्रदेश को हम जहां देख रहे हैं, मैं केवल आज की बात नहीं कर रहा, देश की आजादी के बाद से, मध्यप्रदेश के गठन के बाद से, 1956 के बाद से मध्यप्रदेश ने प्रगति और विकास की कई मंजिलें तय की हैं, और उन मंजिलों को तय कराने में चुने हुए नेतृत्व का अपना महत्व है, लेकिन सरकार नीतियां तय करती है, कार्यक्रम बनाती है, योजनाएं बनाती है, उनको जमीन पे क्रियान्वित करके मध्य प्रदेश को हमने बीमारू राज्य से विकासशील बनाते हुए विकसित राज्यों की पांच में आज ले जाके खड़ा कर दिया है। और इसमें जिन जिन का योगदान है, जो आज यहां नहीं है या इस संसार में भी नहीं है, आज मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। मेरा और आपका रिश्ता भी बहुत वर्षों का हो गया है। कल मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी मध्य प्रदेश पधार रहे हैं, भोपाल उनका स्वागत करने तैयार हैं, और गरीब की विशेषकर हमारे जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने के तीन ऐसी सौगातें जो उनके हाथों से कल हमारे बहन भाइयों को मिलेगी। तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण तो है ही, लेकिन अभी तक जो वनोपज होती थी, विशेषकर इमारती लकड़ी वगैरह, उसकी पूरी आय सरकार के खजाने में आती थी। अब हमने तय किया कि उसका 20% हिस्सा वन समितियों को दिया जाएगा, और वो ग्राम सभाओं के माध्यम से अपनी प्राथमिकता के आधार पर उनको खर्च कर पाएंगी।